हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बढ़िया होंगे। आज का दिन भी बहुत अच्छा रहा कि जैसे कि मैंने आपसे आज बोला भी था कि माय टारगेट वाज 18,000, बट नो डाउट 18,000 से थोड़ी देर पहले ही वो मुड़ गया। और वो कहाँ से मुड़ा, लगभग लगभग मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम भी कैंडल दिखाना चाहूँगा। ऑलमोस्ट उसने जो नीचे वाली एक बहुत प्यारी सी ट्रेंड लाइन थी, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखिएगा, बहुत अच्छे सपोर्ट के पास उसे एक रिवर्सल मारा है। ऑलमोस्ट अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट लगभग लगभग अप्रॉक्सीमेटली 3% करेक्ट हो चुका है। 3%, अभी 3% कितना होता है? ऑलमोस्ट अगर बात करूँ तो लगभग लगभग 0.5%, 0.5% करेक्ट हो चुका है मार्केट। राइट गाइस, 0.5% करेक्ट हो चुका है मार्केट, जो अपना जितने मतलब 50% करेक्ट बोल सकते हैं, 50% करेक्ट हो चुका है मार्केट। जितना अक्टूबर में उठा था उतना वापस वो गिर भी गया। राइट, अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि किस एग्जैक्ट पोर्शन पे आप इसे बाइंग एंड सेलिंग सोचोगे, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सर। नंबर वन, व्हाई द 18,000 इज अ राउंड फिगर, द मार्केट इज अप्रोक्सीमेटली रिवर्स फ्रॉम अबव ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स, 50 पॉइंट्स ऊपर से रिवर्स की वो। सबसे पहले तो नंबर वन कि इस लेवल का रिवर्स, बट नंबर टू आपको अगर ऊपर वाले लेवल्स देखेंगे तो मार्केट के अंदर जब भी रिवर्सल आता है तो एकदम नहीं आता, ये आप मानते। और मार्केट अभी भी स्टिल एक लोअर लोज फॉर्मेशन में, अगर देखेंगे तो एवरी लो पे शॉर्ट है, एवरी लो पे शॉर्ट है, एवरी लो पे शॉर्ट, तो इधर शॉर्ट नहीं मिला। बट आपको कल इस लेवल से लगभग लगभग, अगर मार्केट इस लेवल के अंदर ही ओपनिंग देता है लेट वी अज्यूम, तो मार्केट में आपको एक सेलिंग प्रेशर दोबारा दिख सकता है लगभग इस ट्रेंड लाइन का। अगर मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया तो यहाँ से 18,000 और 17,900 इजिली हम स्पॉट कर सकते हैं। अगर मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया, पॉइंट माय पॉइंट इज अगर इस रेंज को पॉइंट आउट किया तो मार्केट लगभग लगभग इसके अंदर में एक हाई रेंज बनाते हुए आज की हाई के पास में आ सकता है, जहां से आज की ओपनिंग। तो मैं आपके साथ में यही डिस्कस करना चाहता हूँ बहुत एक इनिशियल लेवल्स के ऊपर गाइस, कि अगर मार्केट के अंदर में इफ मार्केट के अंदर में कभी भी आपको इस तरीके का पैटर्न अगर फाउंड हो जो कि ऊपर से ही लोअर लोज बनता हुआ आ रहा है, इस ये जब भी खत्म हो सकता है पैटर्न, जब इसके अंदर में अगर हम फिबोनाची लगा के देखते हैं, पूरा फिबोनाची लगा के देखते हैं, पूरे फिबोनाची की अगर बात करें तो लगभग यही एरिया है जहां से मार्केट इन दो एरिया के बीच में मार्केट गिर सकता है वापस। क्योंकि मार्केट कभी भी सीधा उठता है तो सीधा गिरता नहीं, और सीधा नीचे गिरता है तो सीधा उठता नहीं, हमेशा डबल बॉटम बना के उठेगा। तो ये डबल टॉप बना करके ही गिरा है, तो ये डबल टॉप कैसे, this kind of double top that is a correction of 3% from 19th of October. Okay guys, तो आप इस चीज को देख के चल सकते हैं। बाकी निफ्टी की ओपनिंग हमारे को एसजेक्स निफ्टी से थोड़ा देखना चाहिए। अगर एसजेक्स निफ्टी की बात करें तो एसजेक्स निफ्टी का जैसे कि मैंने कल पैटर्न भी बोला था अपनी स्ट्रीम पे भी और अपने वीडियो में भी, तो मेरा टारगेट लगभग लगभग इस लेवल तक रहेगा, जो कि आया भी। अब मेरा इंपॉर्टेंट जोन है कि अगर 18,300 के नीचे मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है काफी दिन, अगर ये लो ब्रेक करता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन सपोर्ट दे रहा है, रेसिस्टेंस दे रहा है, अगर ये यहाँ से एक रेसिस्टेंस दे करके सपोर्ट को तोड़ता है तो मैं एक और बहुत स्ट्रांग सेलिंग लगभग लगभग 17,900 पर आराम से एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आराम से एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि हाँ यहाँ तक तो मार्केट पक्का गिर सकता है। Why the 17,900? That is a round figure. There is a no option chain reading. या मैं option chain read करके नहीं बोल रहा हूँ कि 18,000 market अगर गिरा slip हुआ तो लगभग लगभग इस level इस zone के अंदर market यहाँ consolidate करे, क्योंकि यहाँ एक बहुत ज़्यादा big rejection भी मिलेगी आपको। तो मैं इस 650 को देख करके यही बोलूँगा। बात है important factor that is one of our favorite आपका और मेरा bank में, right? आज बैंक निफ्टी में ऐसा क्या हुआ, मेरे पास में मोर देन 50 मैसेजेस आए और उन मैसेजेस में लिखा हुआ है कि अप्रोक्सीमेटली सर कि मार्केट ऊपर गया आपके जाते, आप गए उसके याद 15-20 मिनट में मार्केट में इतनी बड़ी मोमेंटम कैसे आ सकती है। अब मैं इसको नहीं पता, ये ऐसा नहीं है, देखो यार उस टाइम पे जनरली मोमेंटम आती, तो हम इन चीज़ों को नहीं कहेंगे कि मेरी वजह से ऐसा कुछ हुआ या नहीं। राइट, मेरे जाते ऐसा क्यों होता है मुझे भी नहीं पता, मतलब राइट ओके, तो हम इस चीज़ के बारे में नहीं बोलेंगे कि ये मौका होता है आपको बताने का, अपने आप को बनाने का, ये चीज़ वो चीज़ मैं नहीं कहता, जो चीज़ है ही नहीं तो हम उसे नहीं कहेंगे। अब है मोटिव हमारे पास में एग्जैक्टली मार्केट इधर से क्यों,
अगर आप इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखेंगे तो ट्रेंड लाइन से मार्केट, अगर एक ट्रेंड लाइन को आप 2 से 3 बार एडजस्ट कर चुके हो ऑलरेडी फेक ब्रेकआउट के साथ, तो वो ट्रेंड लाइन किसी काम की नहीं करती। बट हमने एक बार भी इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट नहीं किया और प्लस मार्केट ने इसी जोन पे रहा और मार्केट ने इस ब्रेकआउट को स्वीटली ब्रेकआउट दिया। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे तो मैंने अक्सर बताया आपको, अगर बहुत बड़ी कंसोलिडेट एरिया होकर ये ब्रेकआउट करता है बहुत बुलिश कैंडल के साथ तो ये बहुत बड़ी रैली मारता है। और नो डाउट काफी लोग बोल रहे थे कि सर 40,000 जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा तो देखो तुम्हारा चला गया। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी हमेशा जिंदगी में ये मत सोचो कि आज जाएगा कल जाएगा, क्योंकि नो वन नो, किसको पता है? मेरे को नहीं पता, आपको पता है क्या? बोले सर मेरे को पता था ऊपर जाएगा, आपने पोजीशन ली थी? नहीं सर हम डर गए थे, वो चीज नहीं होती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ओके। और मार्केट ने इसी लेवल से मार्केट बहुत अच्छे से सपोर्ट ले गए, अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर में लगभग ये लेवल्स के अराउंड ऑफ मार्केट इन्हीं 3 ट्रेंड लाइंस के अंदर अंदर क्लोजिंग दी, प्लस एक बहुत बड़ा जोन और ब्रेकआउट। सर अब क्या मोमेंटम है आपका? देखो अगर मैं अब मोमेंटम की बात करूं तो मार्केट ने इसी मोमेंटम से मार्केट, अब काफी लोग बोलेंगे ओआई डेटा देख लेना चाहिए ये चीज, ऐसा कुछ नहीं होता है राइट। ध्यान से अगर आप ध्यान से देखेंगे गाइस मेरे प्यारे भाई, तो मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन पे एकदम जाकर के वहीं से रिटेस्ट दिया। तो अभी मेरा एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा जो कि एग्जैक्टली ऐसे जोन पे काम भी करता है, मार्केट अगर इसी जोन में क्लोज करता है तो भाई मैं इधर एक कंसोलिडेट देख सकता हूँ कल के लेवल पे। पहले थोड़े मोमेंटम में पता चल जाएगा कि मुझे कंसोलिडेशन एरिया मिलेगा या मेरे को नहीं मिलेगा। अगर मुझे नहीं मिलता है कंसोलिडेट एरिया तो कल से कल एक बहुत बुलिश मोमेंटम आ सकता है मार्केट, बट मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत लो है। लो किस लिए? क्योंकि अभी अगर आपको पता आना चाहिए कि PSU, अब मैं एक बार आपको निफ्टी प्राइवेट बैंक का चार्ट दिखाता हूँ, प्राइवेट बैंक राइट, रिकॉर्डिंग चल रही अगर आप प्राइवेट बैंक का चार्ट ध्यान से देखेंगे ना, तो प्राइवेट बैंक के चार्ट के अंदर मैंने एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन की बात करूँ। अगर मैं इस कंसोलिडेशन की बात करूँ ना, तो ऐसे कंसोलिडेशन पता नहीं क्यों अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि बहुत ह्यूज गैप डाउन मिल सकता है। इस तरीके के पैटर्न में ना आई डोंट नो बट एक ह्यूज गैप डाउन देख सकता है, बहुत ह्यूज गैप डाउन। फिर आप ऐसे कैसे बोलते पता नहीं क्यों, पता नहीं बट यहां से ह्यूज गैप डाउन देखने को मिल सकता। अगर कल एक गैप डाउन देखने को मिला तो आप मेरे को बोलोगे सर ऐसा क्या देखा? मैं आपको कल ही बताऊंगा, क्योंकि ऐसे जोन ये को जो ब्रेक करता है ना मार्केट, बट इसके अंदर में गैप डाउन दिखने में ना सिर्फ 1% की कमी है। अगर ये यही पर्टिकुलर जोन थोड़ा नीचे आके बनता ना ऐसे करके फिर बुल जाता, तो ये गारंटी था कि गैप डाउन खुलेगा ही खुलेगा 110। बट मैं 1% बोल सकता हूँ, शायद 99% है कि जहाँ से गैप डाउन खुल सकता है, ह्यूज गैप डाउन लगभग इस एरिया के अराउंड। बट मैं इसको अभी इतनी बड़ी प्रिडिक्शन करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ कि गैप डाउन खुलेगा, बट पैटर्न जिस तरीके से बना है इट्स अ हिस्टोरिकल पैटर्न और पैटर्न हमेशा फॉलो करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो मार्केट इस एरिया में आपको वापस कल मिल सकता है, अगर मार्केट की ओपनिंग डिपेंड करती है। अब मैं इतनी बड़ी बात नहीं कहूंगा बट मार्केट को अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट ने ब्रेक दिया, अभी तक रिटेस्ट नहीं दिया। अगर मार्केट अंदर रिटेस्ट दे दिया ना कल, तो मार्केट आपको इधर तक आराम से मिल जाएगा वापस इसी जोन में। तो प्राइवेट बैंक का चार्ट थोड़ा अच्छा है और निफ्टी PSU आज पूरे दिन में अगर निफ्टी को किसी ने संभाला है तो वो सिर्फ इकलौते बैंक। अगर मैं ये पैटर्न की बात करूँ PSU बैंक्स की, तो PSU बैंक्स मेरे भाई अपने हाई के पास से रिजेक्शन लेकर के खड़े होंगे। डबल बॉटम भी है लगभग दस, और हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है। तो सर कैसे कह सकते हो? बोलते ना जब आप ट्रेडिंग करने लग जाते हो चार्ट से फैमिलियर हो जाते हो, जब चार्ट से फैमिलियर हो जाते हो ना तो पता नहीं क्यों, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये मत सोचो सर आपका TCS का ना आधा, पता है सर आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि सर आपका TCS का जो पुट ऑप्शन है वो फंसा हुआ है। ये वो वाली बात नहीं, TCS ऐसी बात नहीं, TCS आज भी गिरा था आप देखेंगे तो लगभग TCS को आप यहाँ देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ TCS आप देखेंगे तो लगभग अब इस लेवल पे देखिए TCS लगभग 2% फिर भी गिरेगा, ठीक है। नो डाउट मेरा अभी भी कॉस्ट पे नहीं है, यहाँ शॉर्ट किया था इधर से इधर तक आया तो श्रिंक हो गया वैल्यू, नो डाउट हम राइट थे, बट ठीक है फिर भी वी कैन अंडरस्टैंड द पॉइंट। बट मेरा टारगेट लगभग 34-60 के राउंड ऑफ है कल तक, शायद कल तक का टारगेट है मेरा अप्रोक्सीमेटली 34-50। मैं एक बार एक बेरिश मोमेंटम देख रहा हूँ बहुत स्ट्रांगली मार्केट में। नंबर टू आपके लिए गोदरेज कंज्यूमर, सर गोदरेज कंज्यूमर भी तो हमने लिया हुआ। अगर गोदरेज कंज्यूमर की बात करूँ, नो डाउट गाइस कॉन्सेक्यूटिवली गोदरेज कंज्यूमर में भी 1.5% का डाउनफॉल आया है,
अगर ये डेढ़ पॉइंट का डाउनफॉल अगर ऐसे कंटिन्यू रहता है तो मेरे को लगभग लगभग इसके अंदर में तकरीबन तकरीबन 10%, मतलब इसका अर्निंग थोड़ा सा अगर जल्दी आ जाए ना हमारे पास में, अगर इसका अर्निंग मेरे पास में 10 नवंबर का है, तो इसलिए मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वरना मैं 900 तक गिरने में ना कोई टेंशन नहीं लगाएगा, क्योंकि जो ये एरिया है ना, ये एरिया मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। 950 अगर ब्रेक कर देना तो मेरे लिए एक ईजी फॉर्म हो जाएगा, बिकॉज 9 रुपीज के हिसाब से अगर स्टॉक गिरता है कभी भी तो अप्रॉक्सीमेटली 1%, और मेरे ख्याल से 77 गिर चुका है, मेरे को अभी 77 पॉइंट और चाहिए से गिरने के लिए। अगर मैं 9 से भी डिवाइड करूँ तो ऑलमोस्ट मेरे को 8 पॉइंट समथिंग परसेंटेज चाहिए होगा, कि अगर 8% भी अगर गिरता है, अगर ये 5 to 7% भी गिरता है ना कल के अराउंड, 2 to 3% और गिरता है कल, तो मेरा कॉस्ट आराम से आ जाएगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉस्ट के राउंड ऑफ देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं, ये चीज है। अब रही बात मेरे पास में यूएस 30 के अंदर में, यहाँ आप देखेंगे कि मार्केट एक कंसोलिडेशन एरिया, कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद में रीटेस्ट, और बट हाई के पास में रीटेस्ट मिल रहा है। यूएस 100 की बात करें, जैसे कि आज सीएनबीसी आवाज ने आज बोला कि मार्केट क्रैश होने वाला है, और आफ्टर द क्रैश मार्केट द पीपल इज गोइंग टू बी अ बाइंग पुट ऑप्शन, नो डाउट, बट आफ्टर दैट द मार्केट इज इनिशियली क्लोज इन द कॉल। तो ये चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी के पीछे मत जाओ फंसाने के लिए, राइट। अभी लास्ट में मैंने एक ऑप्शन दिया था, दैट इज काइट को ओपन करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जुबिलियन पुट दिया था, जुबिलियन पुट जाते जाते दिया था, राइट। तो और जुबिलियन पुट के अंदर में नो डाउट, अगर मैं एसएल और टारगेट की दोनों की अगर बात करूँ, तो जुबिलियन पुट हमने लगभग लगभग जो टारगेट लिया था वो हमने 3800 का, शायद 3800 का पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन हमने जुबिलियन पुट में लिया था, तो शायद आई होप किसी मेरे प्यारे भाई ने उसे होल्ड किया होगा, 3800 कॉल ऑप्शन जुबिलियन पुट, किसी ने अगर होल्ड किया होगा तो मैं एक बार देख लेता, मैं खुद उसे भी सी क्लोजिंग लगभग लगभग हमारे पास में इसके इस लेवल तक अपने पास में लगभग 10 रुपीज से 8 रुपीज एसएल लेके गया, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसी के साथ में हमने आज आपको आईसीआईसीआई बैंक का 740 का कॉल ऑप्शन दिया था, और जो कि लगभग अगर आप देखेंगे तो इनिशियली मॉर्निंग आवर्स के अंदर में मार्केट के अंदर में बहुत अच्छी तरीके से 21 इधर लगभग हमने खरीदा 22 और एग्जिट ऑन 24, तो एक बहुत बड़ा रेंज हमने लिया, एक रेंज बहुत अच्छा था। उसके बाद में हमने टीसीएस के अंदर में पुट ऑप्शन लिया, टीसीएस का पुट ऑप्शन वो भी 36880 का पुट ऑप्शन, अगर आप इसका अभी अगर पुट ऑप्शन देखते हैं तो लगभग लगभग शायद ही था पुट ऑप्शन ही था ना 5 मिनट में 3560 का पुट ऑप्शन हमने लिया, राइट। क्योंकि तो लगभग आज मार्केट में रीटेस्ट कहीं नहीं मिला और सीधा वो मार्केट बहुत स्ट्रांगली हमारे पास में, अरे पुट ही तो लिया था, पुट लिया था मैंने टीसीएस क्या हो रहा है पता नहीं, 60 का पुट ऑप्शन, सॉरी गाइस, सॉरी फॉर दैट। ओके अभी आप देखेंगे हमने 10 बजे लगभग लगभग इधर लिया था, लगभग लगभग हमने एग्जीक्यूट किया था अपना कॉन्ट्रैक्ट 6555 के अराउंड ऑफ, और अपना टारगेट 64 का था, इनिशियली 64 बुक करके हमने लगभग लगभग 7 पॉइंट इधर भी कमाए, तो 300 के हिसाब से 2100 यहाँ कमाए, और वो लगभग लगभग हमने 5K के अराउंड ऑफ यहाँ कमाए थे। और फिर बैंक निफ्टी, निफ्टी में मैं सुबह बोल चुका था 18,000 तक जाएगा मार्केट, और नो डाउट 18,050 पॉइंट्स के अराउंड ऑफ मार्केट वहां से घूमा, क्योंकि मुझे पता है कमेंट सेक्शन में काफी लोग बोलने वाले सर 18,000 तो आज मार्केट गया है नहीं, बट मैं उनको बता देना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों को कि मार्केट के अंदर में 50 पॉइंट का मोमेंटम रह गया, वो भी थोड़े दिनों में पूरा हो जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। और रही बात दूसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, आज मार्केट में एक भी सिंगल रीटेस्ट नहीं मिला, बट जाते जाते बोला था पुट ले लेना और इस लाइन तक अपना टारगेट रख लेना, तो टारगेट झट से लेकर के ऊपर चला गया, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये मेरा सारा एनालिसिस है मार्केट को कल लेकर के, एक कॉल या पुट जो भी होगा मैं आपको अपनी लाइव स्ट्रीम में बता दूंगा, राइट। अगर आप क्या बोलते हैं रेडी हैं हमारे साथ काम करने के लिए तो आप हमारे साथ में फ्री में काम कर सकते हैं, राइट। सुबह 8:30 से 9 o'clock के बीच में मैं आ जाता हूँ लाइव स्ट्रीम, आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, डेली के डेली में फ्री ट्रेड देता हूँ आप लोगों को, आपके एनालिसिस, आपको लर्निंग पार्ट एवरीथिंग मिलेगा, प्योर प्राइस एक्शन, नथिंग अबाउट इंडिकेटर, और शायद मेरे ख्याल से आप लोगों को एक चीज का पता चल गया होगा मेरे प्यारे भाइयों कि मैंने क्यों बोला था कि दिस इज नॉट द रीटेस्ट, शायद मेरे ख्याल से आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मूव,
सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी मूव की, बट ये रीटेस्ट नहीं था। शायद आप जिंदगी में चीज समझ गए कि रीटेस्ट क्या होता है, अभी तक नहीं समझे सर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये रीटेस्ट था नहीं। जैसे रीटेस्ट होगा उस दिन मैं आपको दिखाऊंगा। तो प्लीज रीटेस्ट सीखें, हर चीज सीखना बहुत जरूरी है। जब भी आप अगर क्या बोलते चलती रैली में चढ़ोगे ना, टायर छिट्टी जैसे प्लग हो जाएगा तो मुश्किल हो जाता है। तो गाइस टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने मॉम डैड का ख्याल रखें, और विद अ हैप्पी फेस विल मीट टुमारो ऑन द मॉर्निंग ऑनवर्ड राइट। आज हम गुलाबी से चेहरे के साथ में, टिमटिमाती आंखों के साथ में, राइट ओके रेड ले लेते हैं ओके, और ग्रीन हेयर्स। हमने आज प्रॉफिट कमाया अच्छा खासा था, बट बैंक निफ्टी में आज ट्रेड नहीं कर पाए, नो डाउट, बट हमने आज स्टॉक ऑप्शन लिया था, एंजॉय किया हमने आज, राइट। चलो गाइस टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने भाई जो भी काम हो, कुछ भी हो, आप राइटिंग साइड दिए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हेनेवर आई एम फ्री आई विल रिवर्ड यू, ओके। चलो गाइस टेक केयर।